हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर नंबर 18 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी, जबकि ह्यूमन फिजियो का ये चैप्टर नंबर 3 होता है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट है और उसके सर्कुलेशन से क्या क्या बॉडी में बेनिफिट्स है और क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट्स है, वो सब अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हालांकि ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स, O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस, जिसे सर्कुलेट करने के लिए बॉडी का फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि यही लिविंग सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसे रिमूव करवाने में भी ये बॉडी फ्लूइड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो करवाना, रिमूव करवाना, ये एक हेल्दियर फंक्शंस होता है सेल्स का। और याद रखिएगा कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उन्होंने डिफरेंट मेथड्स इवॉल्व किए हैं अपने फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एग्जांपल अगर देखा जाए, दैट इज द पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, ये अपने बॉडी में सेंट्रल कैविटी में सर्कुलेट करते हैं वाटर को और फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज। और एक्सचेंज किसका? गैसेस एक्सचेंज, एसेंशियल सब्सटेंस के एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, ये सब। जबकि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। एग्जाम्पल दैट इज ब्लड और लिम्फ। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है ब्लड और लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को। याद रखिएगा कि जो बॉडी फ्लूइड्स है, मेनली यहां पर हम लोग देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स को किस टाइप में और किस ग्रुप में कंसिडर्ड किया जाता है और कैसे क्लासिफाई किया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स मेनली दो ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। पहला एक होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रा का मतलब विदिन, सेल्युलर का मतलब सेल, और फ्लूइड का मतलब आप जानते हो, द लिक्विड सब्सटेंस। यानी जो लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब सेकेंड आता है, दैट इज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर या फिर इंटरसेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड प्रेजेंट होता है और बिटवीन टू एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अब हम लोग वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ। यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसे डिस्कस करेंगे? ब्लड को डिस्कस करेंगे। ब्लड जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी का वास्कुलर टिश्यू होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज द हीमेटोलॉजी, जबकि स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। याद रखिएगा, ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि ब्लड को हम लोग फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर करते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर करने के लिए बेसिकली तीन रीजन है, और सबसे बड़ा जो तीन रीजन है वो ये है कि पहला, ब्लड कभी भी सेल डिविजन नहीं करता है। दूसरा, दैट इज फाइबर्स जो होते हैं ब्लड में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और तीसरा, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो होता है, यानी जिसमें ब्लड डिसॉल्व होता है, वो प्रोड्यूस और सिंथेसाइज्ड होता है दो जगह, पहला लीवर में और दूसरा दैट इज लिम्फोइड ऑर्गन में। याद रखिएगा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों? तो पहला, सेल डिविजन नहीं होता है। दूसरा, दैट इज फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लीवर में और लिम्फोइड ऑर्गन में, जैसे स्प्लीन हो गए, ये सब।
याद रखिएगा, ब्लड बॉडी का सॉफ्ट टिश्यूज में आता है और 30-35% ईसीएफ का ब्लड होता है। जबकि यहां पे साफ साफ मैंने मेंशन किया है कि 5 लीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेट इन अ बॉडी ऑफ एडल्ट, जबकि ये जो 5 लीटर है ये मैंने मेल और फीमेल का एवरेज लिया है स्टूडेंट्स, जबकि मेल में 5-6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है और फीमेल में 4-5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा यहां पर इसकी जो ब्लड की पीएच होती है वो दैट इज 7.4, जिसे अपन स्लाइटली अल्कलाइन कहते हैं, और ब्लड का जो बॉडी वेट है वो नियर अबाउट 7-8% ऑफ बॉडी वेट ब्लड कंसिस्ट करता है। अब अपन ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड का कंपोजिशन, एक जो लिक्विड पार्ट होता है और एक जो सॉलिड पार्ट होता है। अब जरा यहां पर आप देखना तो जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट को अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट कौन करता है बेटा, तो प्लाज्मा करता है। और रहा बात जिसे सॉलिड पार्ट कहते हैं, वो सॉलिड पार्ट अपना कौन होता है, तो वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जरा देखेंगे लिक्विड पार्ट्स को कि लिक्विड पार्ट्स मैट्रिक्स कहलाता है, स्ट्रॉ कलर का होता है और लगभग 55% ऑफ ब्लड होता है, जिसमें अदर में तकरीबन 8-10% होता है और वाटर 90-92% होता है। याद रखिएगा कि इसी जगह अदर सब्सटेंसेस में ये जो 8-10% है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो भी कौन कौन, दैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, फिर मिनरल्स, मिनरल में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन, ईटीसी, प्रोटीन जो कि नियर अबाउट 6-8% होता है। ये इस प्रोटीन ग्रुप में बेसिकली 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला जिस चीज का फाइब्रिनोजन कहते हैं, ये फाइब्रिनोजन तकरीबन 0.3% होता है, प्रोड्यूस करता है लीवर, और ये एक्चुअल में लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, और ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में या फिर कॉगुलेशन ऑफ ब्लड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दैट इज सीरम किसे कहते हैं। सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, यानी प्लाज्मा तो होगा लेकिन उसमें क्लॉटिंग फैक्टर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उस टर्म को अपन क्या कहते हैं, उस टर्म को अपन सीरम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड आता है जिस चीज का नाम होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन तकरीबन 2-2.5% इन्वॉल्व रहता है, और याद रखिएगा कि यह किस चीज के लिए होता है, इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, और इसे प्रोड्यूस कहां पे होता है, तो ये लीवर प्लस लिम्फोइड ऑर्गन में प्रोड्यूस किया जाता है। याद रखिएगा ये जैसे ही इन्वॉल्व हुआ डिफेंस मैकेनिज्म में, तो सिंपल एक बात याद रखिएगा कि ये बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, डैमेज करता है और डिस्ट्रॉय करता है। याद रखिएगा ग्लोब्यूलिन 3 टाइप के होते हैं, एक अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन लीवर से प्रोड्यूस होता है, जबकि गामा ग्लोब्यूलिन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, और यही गामा ग्लोब्यूलिन के वजह से आपने बहुत सारी एंटीबॉडीज के बारे में सुना होगा, दैट इज IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। नेक्स्ट दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये लगभग 4% मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोड्यूस और सिंथेसाइज एक ही जगह होता है, और वो रीजन का नाम है लीवर। और नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट दैट इज ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस, और जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि लीवर में फिल्ट सॉरी किडनी में
फिल्टरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बीसीओपी नहीं होगा तब हमारा किडनी यूरिन को और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन नहीं बना पाएगा। याद रखिएगा, इस जगह पे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है कि रेशियो बिटवीन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, यानी एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो कितना होता है। तो याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन का रेशियो 2 होता है और ग्लोब्यूलिन का 1 होता है। अब इसे समझने का कोशिश कीजिएगा कि दोनों का परसेंटेज देख लो आप, ये 2 है ये 4 है, यानी 1:2, गॉट इट। नेक्स्ट, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन लगभग 0.3% और ये सिंथेसाइज कहां पर होता है, लीवर में सिंथेसाइज होता है। होप कि आपको पूरा प्लाज्मा प्रोटीन क्लियर होगा। नेक्स्ट, ब्लड का सॉलिड सब्सटेंस। ये जो सॉलिड सब्सटेंस है फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। सॉलिड एलिमेंट में कंसिस्ट होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, जो कि नियर अबाउट 45% ऑफ ब्लड रेशियो कंटेन करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑफ रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मैंने कुछ इस टाइप में एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट का जो सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, जिस चीज को अपन आरबीसी कहते हैं, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये आरबीसी सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है, काउंट इसका नियर अबाउट 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। फॉर्म्ड इनसाइड द रेड बोन मैरो और जुवेनाइल स्टेज पे, यानी जब ये ग्रो हो रहा होता है, यानी बिफोर मैच्योरिटी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये एडल्ट और मैच्योर हो जाता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। यहां पे कुछ एक एक्सेप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। एक्सेप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या, कि अब एनिमल में खास करके मैमल्स के बारे में बात कर ले तो दो टाइप के मैमल्स हैं जिनका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और कुछ का इन्यूक्लिएटेड होता है। एग्जाम्पल, एडल्ट में मैमिलियन आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, जबकि दो ऐसे मैमल्स हैं जिसका नाम है कैमल और लेमा, वो कैसे होते हैं, सॉरी मैंने कैमल और लेमा कंसिडर कर लिया, वो बेसिकली सेब पे था। जबकि फ्रॉग का, जैसे मैमल्स का आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, उसी टाइप में फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। मैमल्स का आरबीसी इन्यूक्लिएटेड मैच्योर के वक्त इस वजह से हो जाता है ताकि वो अपने ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। अब बात करते हैं अपन सेप का। जैसे मैमल्स में ह्यूमन का जो सेप होता है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव सेप होता है, जबकि कैमल और लेमा का बाइकॉनवेक्स और ओवल सेप होता है आरबीसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैमल्स में ह्यूमन का कैसा होता है, बाइकॉनकेव इन सेप होता है, जबकि कैमल और लेमा का बाइकॉनवेक्स और ओवल सेप होता है। आरबीसी रेड कलर का इस वजह से होता है क्योंकि उस जगह पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इससे पहले ही मैंने डिस्कस किया था 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और दैट इज ये हीमोग्लोबिन कंटेंट है। नेक्स्ट, एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डेज। और याद रखिएगा, ये आरबीसी जो डिस्ट्रॉय होता है वो स्प्लीन में होता है, जिसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि आरबीसी में जैसे हायर सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं, और इसी के वजह से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आरबीसी में टेक प्लेस होता है,
और याद रखिएगा कि आरबीसी में एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है जबकि क्रैब साइकिल का एब्सेंट होता है एंजाइम्स। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो एंटीजन होता है, जो भी ब्लड ग्रुप का एंटीजन होता है, वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और एक बात सेल से कि आरबीसी के मेम्ब्रेन का जो नाम है वो है डोनेन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट दैट इज ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली देखेंगे तो इसे कॉमनली अपन व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, दैट इज WBC। इसका जब रिलेटिवली लेसर इन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू आरबीसी, कलरलेस होते हैं क्योंकि इस जगह पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। याद रखिएगा न्यूक्लिएटेड होते हैं। एडल्ट में इनका जो काउंट है वो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। लाइफ स्पैन इसके शॉर्ट लिव्ड होते हैं और यहां पर दो तीन टर्म है। पहला है दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस, यानी इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट का टोटल काउंट। इस बेसिस में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस इंसान को उस समय होता है जब वो बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से सफर कर रहा होगा। याद रखिएगा एक और टर्म है जिसका नाम अपन ल्यूकेमिया देते हैं। ल्यूकेमिया जब ये एबनॉर्मल इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स जब 1,00,000 से ज्यादा हो जाएगा तब अपन उस चीज को ब्लड कैंसर कहेंगे और उसी इवेंट का नाम क्या देंगे, ल्यूकेमिया। ध्यान रखिएगा ये बात को, याद रखिएगा। अब ल्यूकोसाइट्स दो मेन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। यानी कि ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में उसे ग्रेन्यूलोसाइट्स कहेंगे, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा उस चीज को अपन क्या कहेंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहेंगे। याद रखिएगा ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स में तीन होते हैं, दैट इज एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब जरा देखेंगे एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स बेसिकली दूसरा नाम इओसिनोफिल से कहलाता है। कारण एसिडोफिल्स को डाई करने के लिए इओसीन डाई का इस्तेमाल होता है जो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन शो होता है। याद रखिएगा लगभग 2-3% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स में प्रेजेंट होता है और ये रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस। स्ट्रक्चर में याद रखिएगा एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स तकरीबन 0.5 से लेकर के 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हिपेरिन। और आप जानते हो ये एक इंपॉर्टेंट चीज में मदद करता है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। और साथ साथ बेसोफिल्स जो स्ट्रेन होगा वो बेसिक डाई जैसे मिथाइलिन ब्लू से स्ट्रेन हो सकता है। स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इस जगह पे आपको दिखेगा कि ये ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जबकि 2 और 3 लोब स्ट्रक्चर होगा और न्यूक्लियस कैसा दिखेगा, एस शेप न्यूक्लियस दिखेगा, किसका, बेसोफिल्स का। नेक्स्ट आता है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स तकरीबन 60-65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स का, और याद रखिएगा ये मैक्सिमम इन नंबर है, फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब कि यही वो है न्यूट्रोफिल्स जो कि डिस्ट्रॉय करता है वायरस और बैक्टीरिया, और न्यूट्रोफिल्स किसी भी डाई से स्टेन करवाया जा सकता है, आइदर एसिडिक हो, आइदर बेसिक हो, आइदर न्यूट्रल डाई हो। याद रखिएगा ड्यू टू इसका साइज छोटा होता है, छोटा होने के साइज के वजह से नेचर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक नेचर भी है, इस वजह से बहुत सारी जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड।
और उसका नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते दैट इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी जहां पर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा उसके साइटोप्लाज्म में। इंक्लूड क्या करेगा? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जबकि 6-8% ऑफ टीएलसी, फैगोसाइटिक होता है, साइज वाइज बड़ा होता है और इसे अपन स्कैवेंजर कहते हैं, दैट इज स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। और इस मोनोसाइट का न्यूक्लियस बिल्कुल अलग होता है और इसका न्यूक्लियस बीन शेप होता है। याद रखिएगा ये मैक्रोपोलिसमैन कंसिडर करता है और इसका जो लाइफ है वो लेस देन 24 आवर्स है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जबकि 20 से लेकर के 25% रहता है। इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने के लिए लिम्फोसाइट ही रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा इसका जो लाइफ स्पैन है वो 5-7 days होता है स्टूडेंट्स। और न्यूक्लियस लार्ज होने के वजह से इसका साइटोप्लाज्म इसके पेरिफेरी पे सिचुएटेड होता है। लिम्फोसाइट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं? बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करते हैं। हालांकि इसमें और भी टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसे अपन कहते हैं टी किलर सेल्स, जो डायरेक्ट किल करता है माइक्रोब्स को, टी हेल्पर सेल्स जो स्टिम्युलेट करता है बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट को, और टी सप्रेसर जो सप्रेस करता है। और इस टाइप के जितने भी सेल्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको थाइमस ग्लैंड में अपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वीडियो में टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, बी लिम्फो, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। आप इस टॉपिक को वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आता है दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली क्या करता है? सेल फ्रेगमेंट्स में मदद करता है, यानी नेचुरली ये सेल में फ्रेगमेंट्स के तौर पे छोटे छोटे कण में बिखरा रहता है। और ये उस समय मदद करता है जब कभी हमें चोट लग जाता है और वहां पर क्लॉट करवाना होता है। कहा जाता है कि ये प्रोड्यूस बाय मेगा कार्योसाइट्स जो कि स्पेशल बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। काउंट इसका तकरीबन 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है, जो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व होता है ब्लड के क्लॉटिंग में। याद रखिएगा इस जगह पर कि बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें प्लेटलेट्स घट जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने डेंगू एक नाम का देखा होगा जो मॉस्क्यूटो से स्प्रेड होता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा इसके में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो फंक्शन एक ही चीज है प्लेटलेट्स का, ये रिपेयर करता है एंडोथीलियम ऑफ किसका? ब्लड वेसल्स का। और फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट्स प्लग्स, जिसके वजह से बेसिकली क्या करता है? ब्लड बाहर ऊज आउट नहीं होते। थ्रोम्बोप्लास्टीन का सिंथेसिस करता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सके। और सिंथेसाइज करता है सेरोटोनिन। और एक टर्म है कि जब ये थ्रोम्बोसाइट्स तकरीबन 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब तक पहुंच जाएंगे और इसका नंबर क्रिटिकल काउंट से कम हो जाएगा, तब आपके पूरे बॉडी में रेड स्पॉट और रैसेस अपीयर हो जाएंगे। उस टाइप के स्किन डिजीज को अपन परप्यूरा डिजीज कहते हैं, जो रिलेटेड होता है थ्रोम्बोसाइट से। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट बोला है और आपको उसे नोट करना है। सो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट YouTube वीडियो लेक्चर्स में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।